नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंतिमा सबका बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हिंदी नारी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्ट ऑफ लिविंग की, क्योंकि हम कैसे जी रहे हैं, किस प्रकार से अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। वही 365 दिन सबके पास है, दिन का 24 घंटा सबके पास है, लेकिन इस 24 घंटे के एक एक पल को हम कैसे बिता रहे हैं, किस प्रकार से अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, इसी पर हमारे पूरे जीवन की सार्थकता निर्भर करती है। और बहुत बड़ी बातें नहीं है, कई सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर हम उनको और ध्यान दे दें, उस पर अपनी ऊर्जा और लगाएं, तो हमारा जीवन बहुत सफल सार्थक हो सकता है। आज की वीडियो में मैं चार ऐसे इंपॉर्टेंट पिलर्स पर बात करूंगी, जिन पर थोड़ा सा और ध्यान दे देने से, जिन पे आपको और खर्च कर देने से अपने एनर्जी, आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है, हम सब इन चीजों को जानते हैं, हम सब इन चीजों को समझते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं इनकी प्रायोरिटीज को नहीं जान पा रहे। तो आज की वीडियो में आप मेरे संग लास्ट तक अगर लगे रहेंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको कुछ बेहतर मिलेगा, और केवल बेहतर मेरी तरफ से नहीं, मुझे लगता है आपके अंदर भी ऐसे कुछ इनोवेटिव आइडियाज आ सकते हैं जो आप मुझसे शेयर करें, इसको भी मैं आगे चलकर डिस्कस करूंगी। फिलहाल आज की अभी हम बात कर रहे हैं, जो कि साफ आप देख सकते हैं कि फोर इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ सक्सेसफुल लाइफ, दैट इज कॉल्ड एफ पिलर्स। मतलब फोर इंपॉर्टेंट पिलर्स, हमारा जीवन जो है वो किन चार मजबूत खंभों पे टिका हुआ है, एक सक्सेसफुल लाइफ लेने के लिए क्या वो मजबूत चार खंभे हैं जिनको हमें और ऊर्जा और ईंधन देने की आवश्यकता है, जिससे जो पिलर्स हैं हमारा जीवन है, ना केवल हम जिए, जीवन मिला है तो जिएंगे और एक दिन मर जाना है, लेकिन यह जीवन अच्छे तरीके से जीवन जीने का जो तरीका है उस पर डिपेंड करता है ये पिलर्स। ठीक, तो आप देख सकते हैं दिस इज फोर पिलर्स, मैंने बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप तक ये बात पहुंचेगी। ये है फेम, फैमिली, फूड और फिटनेस। कोई पहला दूसरा तीसरा नहीं है, सब एक लाइन में है, फेम, फैमिली, फूड एंड फिटनेस। ये चारों चीजों को अगर आपने अपनी जिंदगी में बैलेंस कर लिया तो यकीन मानिए आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आइए मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने का कोशिश करती हूँ। पहली बात फेम, फेम मतलब जो शाब्दिक इसका अर्थ है प्रसिद्धि, केवल ऐसी कोरी प्रसिद्धि नहीं कि आपको प्रसिद्ध हो जाना है। हम सब अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ काम करते हैं, निरर्थक तो नहीं रह रहे हैं, केवल सो रहे, उठ रहे, खा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा भी हम अपनी दिनचर्या में कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप शायद खाना बनाते होंगे या कोई काम करते होंगे, कुछ सिलना बुनना करते होंगे। आप बाहर निकल रहे हैं तो कोई जॉब कर रहे होंगे, स्टूडेंट हैं तो तैयारी कर रहे होंगे, और इसके अलावा अगर ये सब नहीं कर रहे हैं तो और कोई एक्टिविटी खेल रहे होंगे, डांस कर रहे होंगे, कोई ना कोई ऐसे एक्टिविटीज कर रहे होंगे। कुछ नहीं कर रहे होंगे तो सोशल वर्क कर रहे होंगे। मतलब आप अपने जीवन में सोने उठने कुछ प्राकृतिक कामों के अलावा भी कुछ काम करते हैं। मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि यदि आप उसी काम में, जो काम आप कर रहे हैं, आपको सफल होने के लिए, फेमस होने के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है, जो काम आप निरंतर कर रहे हैं उसी काम को बेहतरीन ढंग से करिए, इतना बेहतरीन ढंग से करिए कि उस फील्ड के आप ही मास्टर हो। अगर आप टीचिंग एजुकेशन में हैं, कुछ नहीं, अगर आप प्राइमरी में किसी गाँव में पढ़ा रहे हैं तो आप वहां पर ऐसा इतना बेहतर करें कि आप उस जगह के लिए उदाहरण बने। स्पोर्ट्स में है तो वहां भी आप अपना बेहतर कर सकते हैं। अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो, आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो, उसमें भी अपनी बेहतरी कर सकते हो, जिसे आप अपने जीवन में अपने लिए वो एक उदाहरण बन सकें और अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी अपने काम के लिए प्रेरित करें। ये होता है प्रसिद्धि का असली मतलब। केवल चार लोग जान जाए ऐसा नहीं होना है, वो चार लोग आपके काम से प्रेरणा भी लें, यहाँ तक आप खुद अपने काम से प्रेरित हों, ये होना बहुत जरूरी है। अगर केवल बैठे हो और जी रहे हो तो यकीन मानो 10 साल बाद भी अपने आप को इसी तरीके से कोसते रहोगे और समय बीतता चला जाएगा। तो जो आज की डेट में आप कर रहे हो उसको और 100% बेहतर तरीके से करना स्टार्ट कर दो, यकीन मानो 2-4 सालों में आप सफल हो ही जाओगे। तो यहाँ फेम का मतलब ये है। अगली बात करते हैं हम फैमिली पे। फैमिली सबकी फैमिली होती है, लेकिन कभी कभी हम अपने दिनचर्या में इस भाग दौड़ की लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमको लगता है कि जो वक्त हम क्यों ऐसे जाया करें, चार लोगों के बीच बैठ करके क्यों वक्त बर्बाद करें, इससे बात करके क्यों वक्त बर्बाद करें, हम इसको अपने ही काम में लगाते हैं। माना कि फेम जरूरी है, लेकिन उसके साथ जरूरी क्या है, उसी फेम को, उसी कार्य को, अब उसी जिस चीज जो लक्ष्य के प्रति आप लगे हैं उसको प्राप्त करने के लिए हमें और ऊर्जा की जरूरत होती है। और ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है, जब हमारा मन शांत होता है, जब हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपका बेहतर चाह रहे होते हैं। और वो फैमिली से बेहतर कोई नहीं हो सकता है। फैमिली का मतलब आप चाहे अपने माता पिता, भाई बहन, रिलेटिव्स हों,
फ्रेंड्स हो, जीवन साथी हो, जो भी जिसको भी आप अपने फैमिली में डिफाइन करते हैं, वो सभी फैमिली को लेकर के मैं बात कर रही हूँ कि उनके प्रति आपका समय देना जरूरी है। ज्यादा टाइम मत दीजिए, बहुत है। आपने 7 से 8 घंटा अगर आप अपने फेम के लिए देना, 24 घंटा है, उसमें से मिनिमम 8 घंटा आप अपने फेम के लिए दे सकते हैं, 1 से 2 घंटा तो दे सकते हैं अपनी फैमिली के लिए। सुबह शाम जब आप दूर हैं, फोन पे बात कर लो, हाल चाल ले लो, कुछ भी किसी भी तरह के सिचुएशन में हो, एक बार उनसे बात करके देखो, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है और वो लोग समझते भी हैं आपकी कंडीशन। अगर आप नहीं बात कर पा रहे हो तो भी वो अच्छे तरीके से समझाओ, लेकिन दूर नहीं हो जाना है, आइसोलेट नहीं हो जाना है। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां व्यक्ति आइसोलेट हो जाने के बाद ही एकदम बुरी परिस्थिति में पहुंच जाता है। तो सबसे जरूरी बात, अपने फैमिली फ्रेंड्स नियर एंड डियर को अपने आसपास रखते चलिए। भीड़ बटोरने को नहीं कह रही, ना ही मैं कह रही हूँ कि आप दिन रात लगे रहो, लेकिन जो आपके करीबी हैं आप उनके साथ हमेशा जुड़े रहो। अगला जो बात है वो है फूड। फूड हमारे जीवन की सबसे बेसिक नीड है, लेकिन अब ये क्या हो गया, इतने सारे तरीके आ गए हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीजें आ गई हैं कि फिर फूड अब बेसिक नहीं रह गया है, फूड अब प्रायोरिटी भी हो गया है, फूड अब इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि हमारी पसंद है अलग अलग तरह का डिशेज, अलग अलग तरह के व्यंजन, दिन रात उसमें लगे हुए हैं कि बाहर जाके बैठे हैं तो ये खा ले, वो खा ले, वो खा ले। लेकिन फूड का मतलब केवल खाना नहीं है, फूड का मतलब है आपको अपने अंदर अच्छी हेल्दी फूड हैबिट भी लाना। जैसे आपको अच्छी और हेल्दी चीजें खानी है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ चटर पटर नहीं खा सकते, वो भी आप खाओ, लेकिन उसकी जो अनुपात है वो बहुत कम होना चाहिए। बेसिकली आप ज्यादातर जो है वो हेल्दी चीजें खाइए। पानी, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी खूब पीजिए। फास्टिंग, फास्टिंग भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक अच्छी हेल्दी हैबिट में आता है कि आप 15 दिन पे 20 दिन पे एक बार फास्टिंग करो। फास्टिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप सुबह से शाम तक खा रहे हो, फास्टिंग मतलब आप केवल लिक्विड पे रहिए। अपनी बॉडी को जरूरी है कि आप डिटॉक्स करें, ठीक, क्योंकि हम जैसा खाते हैं वैसा ही हमारे विचार भी बनते जाते हैं। तो एक तो अच्छा खाइए, दूसरा हमेशा अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते रहिए। एकदम भरते रहोगे तो वो उसके बाद फिर आपको वापस भी रिटर्न करके वही देगी। तो अच्छा खाइए, अच्छी हेल्दी फूड हैबिट रखिए और अच्छी लाइफ, बेहतर लाइफ जिए लंबे समय। लास्ट में जाके बीमार पड़ जाना है, बेड पे रह जाना है, ये कोई लाइफ नहीं है। आप आखिर तक अच्छी लाइफ जिए, इसके लिए जरूरी है कि अच्छी फूड हैबिट हो और उसके साथ जरूरी है आपके फिटनेस। फिटनेस केवल शारीरिक फिटनेस नहीं, शरीर के साथ मानसिक फिटनेस की भी बहुत जरूरत है। आज की लाइफ में सबसे ज्यादा इंसान, भले कितना शरीर से दिखने वाला बलशाली इंसान भी, फ्रस्ट्रेटिव हो सकता है, तनाव में हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने फिजिकल हेल्थ को तो ध्यान रखा है, लेकिन मेंटल हेल्थ को हम बिल्कुल ध्यान नहीं रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फिजिकल को हेल्थ को तो इम्पोर्टेंट दीजिए, ये तो मस्ट है, इसके साथ मेंटल हेल्थ को भी आप इम्पोर्टेंट दें। कुछ नहीं करना है इसके लिए, आपको अपने दिनचर्या के हैबिट में थोड़ा चेंज लाना है। एक बात मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी, 2 साल पहले की ही बात है, मैं थोड़ी सी बीमार थी और उस समय कोविड चल रहा था, और ऑनलाइन मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। मैंने एक बार पूछा, 2 बार, तीसरी बार सेम डॉक्टर ने मुझसे ये कहा कि कई दफा हमें दवाओं की जरूरत नहीं होती है, कई दफा हमें अपनी हैबिट्स को सुधारने की जरूरत होती है। बहुत सारी बीमारियां इसी से ठीक हो जाएंगे जब हम अपनी आदतें अच्छी कर लें। जैसे सप्ताह में 4 से 5 बार, 7 दिन नहीं कर सकते हो तो मिनिमम 4 से 5 बार आप अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दें। कुछ भी करिए, सुबह उठिए, मॉर्निंग उठिए, जो भी आपके रूटीन में अर्ली बन सकता है। मैं नहीं कह रही कि आप 5 बजे उठ जाएं, आप 6 बजे तक उठ सकते हैं तो 6 बजे उठिए, 6:30 बजे उठिए, जो आपके टाइम के हिसाब से सुटेबल हो अब उस टाइम पर उठिए। उठिए, बाहर निकलिए, जा करके आपके आसपास कोई पार्क है, प्राकृतिक जगह है तो आप वहां तक जाइए। नहीं टहलने का मन कर रहा है, बस वहां जाकर के बैठिए, नेचर को फील करिए, मॉर्निंग को फील करिए, उस समय की एनर्जी को आप फील करिए, फिर देखिए क्या जादू होता है। इसके साथ आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स में अगर आपकी रुचि है तो आप वो करिए, मेडिटेशन करिए। इन सभी में से कोई, जिसमें भी आपको दिलचस्पी हो, उसमें कम से कम हफ्ते में 4 से 5 दिन 1 घंटा, बस 1 घंटा निकालिए, और वो भी एक साथ नहीं निकल रहा है तो आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम निकालो, लेकिन जरूर अपने दिनचर्या में इसको शामिल करो। कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है, और ये शरीर जो है वो एक मंदिर है, तो इसकी आपको उपासना करनी होगी। थोड़ा सा अगर आप कष्ट अभी देंगे तो आपका आने वाला समय आपको बहुत सारी खुशी देगा, लेकिन अभी आपने शरीर को आराम दिया तो आने वाला समय कष्ट दे सकता है। तो फिटनेस के लिए थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान दीजिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, ये कुछ इंपॉर्टेंट 4 पिलर्स हैं, F पिलर्स हैं, जिनको मैं पिलर्स भी कह रही हूँ, क्योंकि हमारी जिंदगी में जो गैप है ना, जो जो छोटे छोटे गैप हैं,
उस गैप में अगर आप इसको भर दोगे तो आपकी जिंदगी पूरी तरीके से अच्छे से समतल दिखेगी और हैप्पी लाइफ दिखेगी। बहुत बड़ी चीज नहीं है, इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखते हुए हम और सारी बातें कर सकते हैं। इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखते हुए अपनी लाइफ को और खुशहाल बना सकते हैं। कुछ आइडियाज आपके भी दिमाग में होंगे, मुझसे जरूर शेयर करें, कमेंट सेक्शन में दें, और मेरे चैनल की तरफ से आप सभी को अपने जीवन के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।